नमस्कार, वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जितने भी आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास के क्वेश्चन आए हैं, उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वीडियो होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत का राजा सन 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, सुकेत या कहलूर। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी के आसपास सिख सेना ने बंदी बना लिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सुकेत, कुल्लू, मंडी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 ईस्वी के आसपास सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेना का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रणजीत सिंह, जनरल वेंचुरा, शेर सिंह या फिर जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनरल वेंचुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को 1846 ईस्वी के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है पथियार और खरोट, या फिर यहाँ पर सोलह सिंगी और चौमुखी, या फिर सुजानपुर टिहरा या फिर महल मोरियाँ। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, महल मोरियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों ने अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राजा कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुटलेहर, ततारपुर, गुलेर या फिर कुल्लू। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, गुरबख्श सिंह या फिर महाराजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्सा सिंह रामगढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति क्षेत्र को मिला लिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1737 में, 1573 में, 1842 में या फिर 1627 में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त किए कांगड़ा हिल के प्रथम नाजीब या राज्यपाल कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस है देसा सिंह मजिठिया, ध्यान सिंह, भान सिंह या फिर बीर सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, देसा सिंह मजिठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजा संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के किले पर स्वामित्व के बाद को विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की। तो यहाँ पर ऑप्शन है सैफ अली खां, जीवन खां या फिर महाराजा रणजीत सिंह या फिर राजा बिरबल। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1770 ईस्वी में राजा घमंडचंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था। तो आपको बताना है कि किसने विवश किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है जस्सा सिंह ने, या फिर अमर सिंह थापा ने, या फिर अहमद शाह अब्दाली ने या फिर जय सिंह ने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्सा सिंह। जय सिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1770 में, 1775 में, 1780 में या फिर 1785 में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन गई। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1709 में या फिर 1779 में, 1799 में या फिर 1809 में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्य मांग की वजह से महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच संबंधों में कड़वाहट पैदा हुई। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 2 लाख रुपए नजराने की मांग या फिर कांगड़ा किले पर कब्जे की मांग
या फिर अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह ध्यान सिंह के पुत्र से कराने की मांग, या फिर अनिरुद्ध चंद की ब्रिटिश से बढ़ती साठगांठ। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह ध्यान सिंह के पुत्र से करने की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1770 ईस्वी में किसने राजा घमंड चंद को नजराना देने पर विवश कर दिया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, जस्सा सिंह। पिछली स्लाइड में हमें ये क्वेश्चन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 में अहमद शाह दुरानी ने किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है घमंड चंद, हमीर चंद, अभय चंद या फिर गुमान चंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घमंड चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिख सेनाओं ने मंडी के कमालगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1860 में, 1850 में, 1840 में या फिर 1830 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1806 में, 1807 में, 1808 में या फिर 1809 में। तो इसका सही आंसर है 1809 में। अगर एग्जैक्ट डेट बताई जाए तो 22 जुलाई 1809 को जो संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव को महाराजा रणजीत सिंह को क्यों सौंप दिया? तो यहां पर ऑप्शन है ब्रिटिश से रक्षा की प्रत्याभूति के बदले, या फिर गोरखाओं को हराने के समय पर मदद करने के बदले, या फिर राजा के रूप में राज्याभिषेक पर उपहार के तौर पर, या फिर हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारा के भवन के चंदे के रूप में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखाओं को हराने के समय पर मदद करने के बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने 1828 ईस्वी में राजगीर की जागीर किसे भेंट की थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास, संसार चंद, हीरा चंद, फतेह चंद या फिर अनिरुद्ध चंद। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, फतेह चंद। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1846 और से लेकर 1876 ईस्वी तक गुलेर किस रियासती राज्य का भाग था? तो यहाँ पर ऑप्शंस है कांगड़ा, चंबा, सिख या फिर जम्मू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिख का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष जसवान राज्य को हड़प लिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1809 में, 1812 में या फिर 1814 में या फिर 1818 में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1814 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, महाराजा रणजीत सिंह ने किसे 1830 ईस्वी में नादौन की जागीर सौंपी? तो यहाँ पर ऑप्शन है नरेंद्र चंद, कल्याण चंद या फिर जोधवीर चंद या फिर फतेह चंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोधवीर चंद। आप ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1823 में, 1858 में, 1773 में या फिर 1802 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1823 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस रियासत का राजा सन 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया था? तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल्लू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी के आसपास सिख सेना ने बंदी बना दिया? तो ये भी क्वेश्चन हमने पहले अटैम्प्ट कर लिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंडी। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महान चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1815 ईस्वी में किसे किले के पास अंग्रेजों और गुरखों में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बलौन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सीधा आंसर बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं सीधे यहाँ पर आपको आंसर बताऊँगा ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांगड़ा से गोरखों को निष्कासित करने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह संकटकालीन सहायता किसने प्रदान की थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1815 की संगोली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी, गोरखा व अंग्रेज। यहाँ पर ये सही क्वेश्चन आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया? तो यहाँ पर ऑप्शन है ज्वालामुखी, महल मोरिया, बिलासपुर या फिर लुठियानी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, महल मोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखाओं का अधिकार रहा था? तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा बनता है वो है ऑप्शन ए, 1814 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ सूची वन को सूची टू से मिलाना है और सही आंसर देना है। तो हमें पता है कि जो हान संग थे वो 1630 ईस्वी में आए थे, डब्ल्यू मूरक्राफ्ट आए थे 1820-22 में, और अलेक्जेंडर जिराड आए थे 1817 और 18 में, और जे वी फ्रेजर आए थे 1815 में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उसमें जसवान का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, उमेद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा नेता का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है अमर सिंह थापा, महाराजा महेंद्र, राणा जंग बहादुर या फिर अर्जुन सिंह गोरखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों में राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास, संगोली की संधि, लाहौर की संधि, मलाओं की संधि या फिर रामगढ़ की संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संगोली की संधि जो 1815 में हुई थी। सन 1805 में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद को किस गोरखा नेता ने हराया? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अनिरुद्ध थापा, अमर सिंह थापा, हीरा सिंह थापा या फिर मनोज सिंह थापा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर आंसर है अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है जातक हिल, हरिपुर धार, सेन धार या फिर धारती धार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जातक हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा, ब्रिटिश सेना, मुगल या महाराजा रणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1814 से लेके 1815 ईस्वी के आसपास गोरखाओं और बुशहर रियासत के बीच निर्णायक लड़ाई जिसमें गोरखाओं को भगा दिया गया कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है अल्हार या फिर क्रासा या चिड़गांव या फिर खदराड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटू किला हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं, मंडी घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।